हेलो फ्रेंड्स, किचन बिल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। गुलाब जामुन तो सभी ने खाए होंगे, लेकिन मैं बनाने जा रही हूँ शकरकंद से गुलाब जामुन। वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। गुलाब जामुन तो सभी ने सुना होगा, लेकिन शकरकंद से गुलाब जामुन शायद ही किसी ने खाए होंगे। तो आज देखते हैं शकरकंद से गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। ये शकरकंद होती है, इसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। 250 ग्राम शकरकंद लेनी है। इसको हमें बॉईल कर लेना है, बॉईल करके इसको छील लेंगे। मैंने पहले से शकरकंद को बॉईल करके रखा हुआ है, बॉईल करके इसको ग्रेट कर लिया है। ये एकदम आलू की तरह लगती है। इसके लिए 100 ग्राम मावा लिया है, 250 ग्राम शकरकंद, 100 ग्राम मावा। जो बॉईल शकरकंद थी उसको हम इसमें डाल देंगे प्लेट में, साथ ही इसमें मावा भी डाल देंगे। दोनों को अच्छे से हाथ की मदद से, ये हथेलियों की मदद से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो गया है ये, इसको एक बॉल में रख देंगे साइड में। इसको एक साइड में रख देंगे जब तक बाकी की तैयारी करते हैं। अब गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार करेंगे। एक बर्तन रखेंगे गैस पर जिसमें भी हमें चाशनी बनानी है। इसके लिए 1 कप चीनी लेंगे, इसको डाल देंगे, पानी डाल देंगे। मैंने 1/2 कप पानी डाला है इसमें। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हमें चाशनी 1 तार की बनानी है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे चेक करते हैं 1 तार की चाशनी। फ्रेंड्स, ये गुलाब जामुन जो मैं शकरकंद से बना रही हूँ, इनको हम व्रत में भी खा सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। चीनी पूरी घुल चुकी है, इसको थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। इसमें चेक करने का तरीका इस तरह से होता है, इस पर थोड़ा सा चाशनी लग रही है, इसको उंगली पर लेंगे, इस तरह से करके देखेंगे तो एक तार बन जाता है। अभी बन नहीं रहा है तार, अभी इसका मतलब चाशनी रेडी नहीं है। बीच बीच में इस तरह से चेक करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें तार बन चुका है। अब देखिए, उंगली को देखिए, एक तार इस तरह से खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तार की चाशनी रेडी है। देखिए, पतला सा तार बनता है इस तरह से करने पे, इस तरह से। अब गैस को बंद कर देंगे। फ्लेवर के लिए 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। चाशनी को साइड में रख देंगे। जो डो तैयार किया था, अब जिस साइज के भी हमें गुलाब जामुन बनाने हैं उस तरह की बॉल बना लेंगे हम, छोटी छोटी। छोटा साइज चाहिए तो छोटा बना लीजिए, बड़ा चाहिए तो बड़ा बना लीजिए। आप शेप भी कोई दूसरी रख सकते हैं, राउंड शेप चाहिए राउंड कर लीजिए, ओवल शेप चाहिए ओवल कर सकते हैं। इस तरह से हल्के हाथ से ऐसे सर्कल गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, गुलाब जामुन के सारे गोले बनकर रेडी हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, घी डालेंगे इसमें। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें थोड़े थोड़े गुलाब जामुन डाल देंगे फ्राई होने के लिए। धीरे से डालेंगे, एक साथ सारे नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके तलेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम कर देंगे, इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। फ्रेंड्स, देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें इनको डाल देंगे, इनको चाशनी में अच्छे से पीने देंगे। इसी तरह बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
जिससे आपको हमारे आगे की वीडियो मिलते रहें। गैस को बंद कर देंगे। सभी गुलाब जामुन रेडी हैं, इनको भी चाशनी में डालेंगे तो इनको एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। थोड़े से हमने पहले चाशनी में डाले हुए थे, इनको इसमें डाल देंगे। इनको अच्छे से चाशनी में डिप कर देंगे। थोड़ी देर इनको चाशनी में डाले रखेंगे जिससे चाशनी अच्छे से अंदर तक पी ले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन चाशनी अच्छे से पी चुके हैं, इनको एक बॉल में सर्व करेंगे। धीरे धीरे से उठाएंगे, गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप इसको रूटीन में भी बना सकते हैं, व्रत के टाइम पर भी बना सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। आप टेस्ट में बिल्कुल नहीं बता पाएंगे ये शकरकंद से बनाए हैं। थोड़ी सी पिस्ता कतरन से इनको डेकोरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे शकरकंद से बने गुलाब जामुन रेडी हैं। आप भी एंजॉय कीजिए, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।